असल माई नीम इज़ मिर्जा जहैब बेग एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अबाउट द जॉलॉजी और हमारा जो है आज देखते हैं कि कौन सा हमारा आज का टॉपिक है तो सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ बसमल रहीम और हमारा आज का जानते हैं कि टॉपिक जो है वो मेटामोफोसिस इन इंसेक्ट्स है देखना ये है कि इंसेक्ट्स में मेटामोफोसिस का मतलब क्या है Uh, चूंकि uh, हमारा जो चैप्टर नाम का नाम है वो है सपोर्ट सक्सेस uh, और क्या होती है इसको आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स हैं हमारे मेन uh, उनमें से एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स और दूसरा टॉपिक है मेटामोर्फोसिस इन इंसेक्ट्स तो व्हाट डू यू से अबाउट द मेटामोर्फोसिस इन इंसेक्ट्स सो लेट्स स्टार्ट डिवेलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस वट डिवेल्पमेंट ऑफ इंसेट्स इंसेक्ट्स की डिवेल्पमेंट क्या होती है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जब हम इंसेक्ट्स की डिवेल्पमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं वो uh, मुख्त तरह के मैकेज्म उनके अंदर मौजूद हैं डिवेलपमेंट के हवाले से हर ऑर्गेज्म का अपना एक डिवेलमेंटल पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंगली वो डिप करता है आगे हम देखेंगे कि मुख्त या डिवेलमेंटल पैटर्न जो है वो कौन कौन से हैं लेकिन उसमें कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल लार्वल इन स्टार एक टर्म यूज होती है हम आगे पढ़ेंगे कि वट इज अ लार्वल इन स्टार लार्वल इन स्टार बेसिकली इमेच्योर स्टेज होती है इंसेक्ट्स की जो अर्ली एज होती है अर्ली स्टेज होती है जिसमें वो मेटामोफोज हो रहा होता है डिवेलप हो रहा होता है तो उसके दौरान ये लार्वल इन स्टार स्टेज आती है सम इंसेक्ट आर प्रोड्यूस इन इमेच्योर स्टेज कार्डल इंस्टार डेवेलमेंट ऑफ लार्वल इंस्टार है वो फर्दर आगे डेवलप करेगा एक नई अडल्ट इंसेक्ट के अंदर और इसी लेकिन उस दौरान जो एक से लेके आप कह लें कि जब तक अडल्ट नहीं बनता तो इस दौरान जो लार्वल स्टेजेस है मुख्तु लार्वल स्टेप्स हैं हर स्टेप को हम इंस्टार बोलेंगे और यही जो इंस्टार होता है जब ये ग्रो करता है फूड अटेन करता है और इस काबिल हो जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके देन हम कह सकते हैं कि वो एक एडल्ट जो स्टेज है उसमें दाखिल हो चुके हैं सो वन इज द डेवलपमेंट ऑफ लार्वल इंस्टार लार्वल इंस्टार से नेक्स्ट जो है वो हम जुवेनल स्टेज की बात करते हैं जुवेनल स्टेज कौन सी स्टेज होती है पोस्ट लार्वल स्टेज दैट इज नॉट फुली ग्रोन एंड नॉट सेक्शुअली मेच्योर Uh, आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें ये स्टेजेस आती हैं स्टेज स्टेज और ये वो है जिसमें एनिमल जो है मुकम्मल तौर पे तो ग्रो नहीं किया और ना ही वो सेक्सुअली मेच्योर मेच्योरिटी गेन कर सके लेकिन फिर भी काफी ज्यादा चेंजेस जो है उसमें देखने को uh, मिलती है अडल्ट स्ट्रेटेजी एंडल इन दिस वेक्ट स्पेंड अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इन जुबिनल स्टेज दैट मीन की इस अडल्ट स्टेज uh, की जो स्ट्रेटेजी है वो जुविनाल स्टेज की स्ट्रेटेजी से uh, काफी हद तक जो है वो आपस में मिलती जुलती स्ट्रेटेजी है और ये वो स्टेज होती है कि जिसमें एक अडल्ट जो है वो आ, क्या करता है कि वो आ, अपनी ज्याद, ज्यादातर जिंदगी जो है वो गुजार देता है डिस्पर्शल में और रिप्रोडक्शन के पैटर्न्स में या जो फूड रिटेनिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनके अंदर लाइक like अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो आपके सामने एक डायग्राम यहाँ पे शो हो रही है और इस डायग्राम के अंदर एक कम्प्लीट लाइफ साइकिल दिखाया गया लाइफ साइकिल बग्स के अंदर जो बेड बग्स होती हैं यानी अक्सर जो बिस्तर की जुएं भी होती हैं इनमें देख लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एग है और एग जो है वो फर्स्ट लार्ज स्टेज में चेंज होता है ये फर्स्ट स्टेज वो जो वो जो बेड के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा यानी ह्यूमन बीइंग स्पेशली होते हैं तो उनसे वो ब्लड उनका सक करेगी और ब्लड सक करने के बाद वो फर्स्ट लार्ज स्टेज में उसमें मोल्टिंग आएगी मोल्टिंग होता है कि उसका एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होने के लिए Uh, एक uh, जो पहले वाली कवरिंग uh, है उसको शेड कर देना फिर सेकेंड लार्वा स्टेज आती है उस दौरान वो uh, दोबारा से ब्लड को अटेन करता है और मोल्टिंग uh, करता है इसके बाद थर्ड स्टेज आती है फिर वो ब्लड uh, uh, लेता है और फिर से वो मोल्टिंग करता है देन फोर्थ स्टेज ऑफ लार्वा फिफ्थ स्टेज ऑफ लार्वा और अल्टीमेटली वो एक कंप्लीट एडल्ट में चेंज हो जाता है वो एडल्टहुड स्टेज पे पहुंच जाता है तो ये वो स्टेज होती है कि अगर इस स्टेज में फीमेल्स हैं तो वो एग ले करेंगी और आ, मेल जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आसानी से तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है यानी उन्होंने ब्लड सिप करते जाना है अपने होस्ट की बॉडी से ब्लड जाना है और साथ साथ जो है ब्लड uh, सक करने के साथ साथ जो है उन्होंने मोल्ड करते जाना है एक नई स्टेप में इन स्टार लाल स्टेज में जो है वो ट्रांसफॉर्म होते जाना है सो वट डू सेवर द मेटामोस फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मेटा मेटा मीन चेंज मॉर्फ मीन फॉर्म

लाइक uh, like, अगर आपके किस uh, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ पर जो है वो एक ग्रास उपर दिखाया गया इस ग्रास का ये एक एग है इसमें हैचिंग होती है और ये फर्स्ट स्टेज होती है इसे निम्फ बोलते हैं और उसके बाद जो है सेकंड स्टेज है निम्फ जो साइज में इंक्रीज हो रहा है फिर थर्ड स्टेज आती है निम्फ की फोर्थ स्टेज आती है इस मोल्टिंग के दौरान जो है वो देन फिफ्थ स्टेज आती है यानी डिफरेंट मोल्टिंग होती जाती है स्टेप बाय स्टेप मोल्ट होने के बाद जो है वो एक वक्त आता है जब वो प्रॉपर एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाता है सो दिस वन इज एज इन केस ऑफ इंसेक्ट्स तो ये हमारे पास था मेटामो का मेटामो uh, की अगर हम कंप्लीट डेवलपमेंटल स्टेजेस देखें इंसेक्ट्स के अंदर तो फोर डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ स्टेजेस हैं जिसमें एक एग है जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया लार्वा है प्यूपा है एडल्ट है मोल्ट अ लॉस ऑफ बेसिक मोल्टिंग है क्या डेसिस है क्या जो किसी भी एनिमल की बाहर वाली कवरिंग है आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर है जैसे लेयर्स हो सकते हैं जैसे स्किन हो सकती है या एग्जोस्कैल्टन हो सकती है वो एनिमल रेगुलर पाथवे के नतीजे में उसको शेड करता है उसकी वजह क्या है क्योंकि वो एनिमल जब तक वो शेड नहीं करेगा अपनी पहले वाली जो कवरिंग होगी स्किन होगी तो उसके नतीजे में ना तो वो ग्रो कर सकेगा और ना वो रिप्रोड्यूस कर सकेगा तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आर्सपोर्ट्स के मेंबर्स ऐसे हैं कि वो अपनी एग्जोस्केल्टन की शेडिंग करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द आप अगर देखें तो बर्ड्स के अंदर जो फीजर्स है उनका कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देंज इन द इन्मेंट लाइक विंटर सीजन है तो जो कलर होगा विंग्स का वो डिफरेंट होगा और अगर समर सीजन है तो तब भी कलर जो है वो एक डिफरेंट

मेटामी चेंज एंड मेटाबोलस चेंज मॉर्फ मीन फॉर्म ए मेटाबोलस ए मेटाबोलस मेटामोस जो है uh, इसमें हम कहते हैं कि ये एक ऐसी मेटामोस की टाइप है कि जिसमें uh, आप अगर देख लें तो एक प्राइमरी डिफरेंस है अडल्ट के दरमियान और लार्वस के दरमियान दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो साइज का लार्वस साइज में छोटा होता है और अडल्ट साइज में बड़ा होता है जबकि दूसरा सेक्सुअल मेचोरिटी

सिल्वर फिश जो है अक्सर किताबों के अंदर से निकलती है या जहाँ पर पुरानी रद्दी होती है अखबार होती है वहां से ये सिल्वर फिश निकलती है क्योंकि सेल्लोस को अपनी खुराक बनाती है तो ये अगर आप देख लीजिए तो आपके सामने ये सिल्वर फिश हो सकता है कि आपने भी ऑब्जर्व किया किताबों में से एक स्मॉल सा इंसेक्ट जो है वो पायर आता है तो ये वही है तो एक्स यंग, यंग से अडल्ट

हर जो इमेच्योर स्टेज होगी तब उसे निम्फ बोलेंगे और वो निम्फ जो है यानी लार्वा की इमेचोर स्टेज है वो निम्फ कहलाता है और फिर वो चेंज होता है अडल्ट के अंदर जो बायर वाल विंग्स होते हैं और बॉडी साइज जो है वो अडल्ट जैसा ही वो अडोप्ट कर लेता है वो डिवेलप कर लेता है नंबर ऑफ मोल्ड्स डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ मोल्ड्स है ये डिपेंड करती है स्पीशीज के ऊपर और एक चीज जो प्रोमिनेंट फ्रैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है इस पोरोमेटाबोलस मेटामोस में ये है, uh, 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 है तो उसी जेनिटेलिया उस भी डिवेलप हो जाते हैं जैसे कि मैंने ग्रास uh, ऊपर पहले से आपको दिखा चुका तो इसकी एग्जाम्पल जिनमें पोरोबोलस होता है इसी एग्जाम्पल ग्रास ऊपर है कि जिसमें ज्यादा uh, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है सिर्फ साइज uh, का मेन डिफरेंस है और सेक्सुअल मेच्योरिटी का डिफरेंस uh, यहाँ पर मिलता है और इनके हर सेप को हम निम्फ का नाम देते हैं सो देर देर आर द डिफरेंट निम्फ स्टेज प्रेजेंट इन दिस केस द थर्ड टाइप ऑफ मेटामोर्फोस इज कार्ड एज अमी मेटाबोलस मेटामोर्फोस हैमी का मतलब होता है हाफ यानी uh, मतलब कंप्लीट नहीं हाफ और मेटामीन यू कैन से मेटाबोलस मीन और मेटामीन चेंज मॉफ मीन फॉर्म यानी इसमें हाफ चेंजेस होती हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इन दिस केस इमेचर फॉर्म इज सो डिफरेंट फ्राम दर्ड फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गिल्स यानी एक बड़ा चेंज ये है कि स्पेशली गिल्स ब्रेदर होते हैं बिकॉज इसके जो लार्वर्स स्टेजेस होती हैं ये जानदार जो हैमी मेटाबोलस मेटामोफिस जिनमें देखने को मिलती है उनकी स्टेजेस एक होती है तो इक्वेटिक एरिया में रहने के लिए जरूरी है कि उसमें ट्रिकल गिल्स हो और वो ट्रिकल गिल्स जो है वो इसको रेस्पायर uh, करने में मदद देंगे बिल्कुल ऐसी ऐसी फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं सो दीस हैव अ ग्रेजुअल चेंजेस इन देयर डेवलपमेंट देयर इमिचोर्स आर एक्वाटिक कॉल्ड नीड ये भी एमसीक्यू याद रखने के हेमी मेटाबोलस मेटा, मेटा के अंदर जो इमैच्योर स्टेज uh, होती है इनके अंदर उसे हम नीड वाटर नि बोलते हैं ये आपके सामने एक नीड वाटर uh, जो है वो uh, वाटर निम्फ है और इसमें देख लीजिए कि से डिफरेंट डिवेलमेंट स्टेजेस में आपको उसमें कोई बड़ा फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा तो ये आता है इसके अंदर हैमी मेटाबोलिस डिवेलपमेंट है, के अंदर लास्ट में जी आखिरी टाइप जो में देखी जाती है वो होलो मेटाबोलिस होलो मीन कम्पलीट होल uh, मेटाबोलिस मीन चेंज इन दिस केस थ्री स्टेजेस आर फॉर्म तीन से पहली है लार्वा फिर, प्यूपा और फिर अडर्ट। अडर्ट बनने के ये अब देखिए प्यूपा हमने अभी तक किसी के अंदर नहीं पढ़ा दैट मीन प्यूपा जो स्टेज है वो, प्यूपेरियम स्टेज जो है, वो स्पेशली आ, होलो में आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली स्टेज की बात करते हैं लार्वाचोर स्टेज

यानी वो लार्वा जो है वो प्यूपा में डिवेलप करता है और प्यूपा जो है वो हमेशा इनएक्टिव होता है इनएक्टिव इसलिए होता होता है है कि बाहर एक कवर होता है। वो ज्यादातर मूव मोटाइल डिवेलप डूरिंग दिस प्रोटेक्टिव केस एक प्रोटेक्टिव uh, कवर uh, के तौर पे काम करता है और uh, uh, इसके प्यूपा के आप कह सकते हैं कि इर्द गिर्द भी जो है वो एक प्रोटेक्टिव केस मौजूद है इस तरह कोकून है कि लास्ट लार्वा इन स्टार्ट डिवेलप आ कोकून कंपोज्ड ऑफ मिल्क के आखिरी जो जो है इसमें लार्वा इन स्टार जो है जो स्टेज है वहाँ पर कोकून बनता है और वो कम जो है वो सिल्क वगैरह में मुश्किल होता है इस तरह प्यूपेरियम वही लास्ट लार्वल एक्सोस्केल्टन है मॉस्किटो के प्यूपा जो है मॉस्किटो हैव प्यूपा इंक्लोज बाय लार्वल एक्सोस्केल्टन यानी लार्वा की अपनी एक्सोस्केल्टन हो दे मे बी एक्टिव और वो एक्टिव भी हो द फाइनल मोड्स अक्कर विद इन द कोकून क्राइसेलस और प्यूपेरियम उसी के नतीजे में प्रॉपर जो है आप कह सकते हैं कि कोकून क्राइसेलस और प्यूपेरियम ये इनको जो है हम कहते हैं कि फाइनल वो जो है वो डिवेलप करता है

हमारे पास है होलो मेटाबोलिस मेटामोरफोसिस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा जैसे कि आप इस बटरफ्लाई को देख सकते हैं कि ये बटरफ्लाई एडल्ट इसमें से पहले स्टेज है जो कि मूवेबल नहीं होती और जबकि ये हमारे पास स्टेजेस है इन द फॉर्म ऑफ कैटरपिलर और हेयर द मैगेट और यू कैन से प्रेजेंस ऑफ द एग्सो दिसन एजो मेटाबोलस मेटाम सो दीज आर द्री फोर डिफरेंट टाइप्स सो थैंक यू वेरी मच आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हुआ कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप जरूर जो है वो ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके क्वेश्चन हैं आपके पीड़ियड जो है उनको डील किया जाए और जितना अच्छा मुमकिन हो सकता है उसका जवाब दिया जाए ओके जी अल्लाह हाफिज़